Channel and I hope you all are enjoying all these videos very well and I request to all of you please like and subscribe these videos and watch all video till end. Thank you. And अब हम topic हमारा जो चल रहा था आपको पता है topic क्या चल रहा है हमारा chapter है planning और आज इस video में हम planning chapter को finish करेंगे इस video के through और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ प्लान जिसमें हम पिछले वीडियोस में ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पॉलिसी इन थ्री स्टेप्स को हम देख चुके हैं. अभी हमारे सामने नेक्स्ट फोर स्टेप्स बचे हुए हैं. इन वर्ड्स को समझना है कि ये प्लानिंग में कैसे काम करते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो टारगेट्स होते हैं जो गोल्स होते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम ये सारे स्टेप्स को कंसीडर करते हैं और उसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रोसीजर क्योंकि हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है. तो प्रोसीजर क्या होता है तो प्रोसीजर का डिफिनेशन यहाँ सामने दिख रहा है. प्रोसीजर इज ए सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क. प्रोसीजर इज ए सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क that make up the chronological sequence and the established way of performing the work to be accomplished. यहाँ पे meaning क्या है इसको अगर समझा जाए तो क्या कहा जाता है कि ये procedure एक systematic way होता है और procedure का मतलब होता है एक sequence में एक chronological sequence बनता है मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमको सारे चीजें करनी होती हैं और इसी को हम प्रोसीजर कहते हैं. किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर है जैसे आपने ये वर्डिंग सुना है. तो प्रोसीजर वर्ड को मैं यहाँ एक एग्जांपल से रखता हूँ. जैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा थीम है जो ऑब्जेक्टिव्स है जो गोल्स है उन गोल्स को अचीव करना है तो भाई जाहिर सी बात है हमें वहां अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें स्टाफिंग करनी होती है अपने स्टाफ का सिलेक्शन करना होता है. तो एक एग्जांपल यहां हम लेते हैं कि स्टाफ का सिलेक्शन कैसे करना है तो उसका एक प्रोसीजर है. अब प्रोसीजर क्या है तो सबसे पहले हम पेपर में मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिजिटल मीडिया में या एनी हाउ लोकल लेवल पे जो मैगजीन्स हैं न्यूज पेपर्स हैं उसमें हम जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं. बहुत सारे लोग जब उस वैकेंसीज को उस रिक्रूटमेंट को देखते हैं तो फिर क्या होता है प्रोसीजर क्या है कि जिन लोगों ने वो वैकेंसी के लिए एड एडवर्टाइजमेंट देखा वो क्या करेंगे पहला स्टेप क्या है कि आप वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करो पहले एप्लीकेशन डालो. अब एप्लीकेशन देने के बाद फिर क्या होगा अगला स्टेप तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिर उनको एक डेट देगा जिस डेट में उनका रिटेन टेस्ट या रिटेन एग्जाम लिया जा सकता है. वो रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगला प्रोसीजर क्या होगा मींस अगला स्टेप क्या होगा तो रिटेन के बाद उनका इंटरव्यू हो सकता है. इंटरव्यू होने के बाद जब वो इंटरव्यू को भी क्लियर करते हैं तो फिर इंटरव्यू के बाद उनका ऑन स्पॉट प्रैक्टिकल वर्क उनका परफॉर्मेंस भी देखा जा सकता है कि प्रैक्टिकली क्या जिस काम के लिए उन्होंने अप्लाई किया था क्या उसके लिए वो सूटेबल हैं उनके पास उस काम को करने का पहले से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कुछ है. वो प्रैक्टिकल इंटरव्यू प्रैक्टिकल रिटेन जो होता है वो कंफर्म करने के बाद फिर उनका एक फाइनल इंटरव्यू होगा. उस फाइनल इंटरव्यू में कब होगा सॉरी इसके पहले भी चाहा जाए तो उनका मेडिकल एग्जामिन हो सकता है कि मेडिकल करा करके मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए. यानी हमारा जो भी इम्प्लॉय हो उसका एक जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो पूरे एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए और जब सारे स्टेप्स हम सही तरीके से क्लियर करते हैं तब जाकर के एक इम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है. तो ये एक स्टाफ सिलेक्शन का जो ये प्रोसीजर है उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट तरीके से बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके लिए हमें अलग अलग प्रोसीजर डिसाइड करना होता है, प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, और इसीलिए बिना प्रोसीजर के हम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। यानी प्रोसीजर का मतलब क्या हो गया, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को एडॉप्ट करना और उसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं वो हम लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड। मेथड में हमें क्या देखना है, तो इट रेफर्स ए कोर्स ऑफ एक्शन टू अकम्प्लिश ए टास्क। मेथड में क्या देखना है, हमने अपने इम्प्लाइज को तो सिलेक्ट कर लिया, सपोज कर लो हम यहाँ एक एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने अपने इम्प्लाई को तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी वो इम्प्लाई काम कैसे करेगा, क्या उसको मैनुअल वर्क करना है या उसको मशीनरी वर्क पे काम करना है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्ट हम मैन पावर को मैन इंटेंसिव से काम करेंगे या मशीन इंटेंसिव से काम करेंगे, यानी यहाँ पे किस मेथड से हम प्रोडक्टिविटी लेने जा रहे हैं, किस मेथड से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, ये हमारा मेथड का सिलेक्शन होगा, यानी दैट इज ऑल्सो द स्टेप ऑफ प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग करते हैं और किस मेथड से हमें काम करना है वो मेथड अगर हम आइडेंटिफाई न कर लें, उस मेथड का सिलेक्शन न कर लें, तो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम आती है। यानी मेथड का डिसाइड होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। इट रेफर्स ए कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से एक्शन लेना है, टू अकम्प्लिश ए टास्क, किसी भी काम को हम मैन मेड तरीके से करेंगे या मशीन मेड तरीके से करेंगे, वो मेथड हमको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रूल्स। रूल्स इट सर्व एज बाउंड्री, इट सर्व एज बाउंड्री ऑफ बिहेवियर। मीन्स रूल्स क्या होता है, रूल्स रेफर्स टू द ऑल बाउंड्री अंडर विच आवर वर्कर्स आर डूइंग देयर जॉब, ऑल बाउंड्रीज अंडर विच वी परफॉर्म आवर ऑल एक्टिविटीज। वो कुछ बाउंड्रीज होते हैं, कुछ बाउंड्रीज का सेंस ये 10 फीट की दीवार नहीं होती, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है तो जो भी उनके वहां वर्कर्स होते हैं, इम्प्लाइज होते हैं, जो भी पूरा मैनेजर सिस्टम होता है, वो मैनेजर सिस्टम के सबके अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय किए जाते हैं और उन सभी को कुछ न कुछ जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको प्लान किया जाता है कि आपको इसी स्टेप पे काम करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम पे आना है, इतने टाइम पे जाना है, आपका इतने आवर का वर्किंग होगा और आपको इस काम के लिए इतना सैलरी डिसाइड होगा, आपको इस कंपनी में, इस फॉर्म में, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें आपको नहीं करने हैं, ये सारी चीजें वैन है, आप अपने पर्सनल मैटर्स को, आप अपने रिलेशंस को, पर्सनल मैटर्स को, घर के चीजों को आप फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में उसको कंटिन्यू नहीं करोगे, आपकी वर्किंग इतने आवर्स, इतने आवर्स के बीच में आपकी इतनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ये तमाम रूल्स रेगुलेशंस हमारे एम्प्लॉइज पे अप्लाई किए जाते हैं, वो प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है। और जब तक हम रूल्स फॉलोअप नहीं करेंगे, रूल्स के बाउंड्रीज में हमको नहीं बांधा जाएगा, तो आप जानते हो कि मनुष्य उड़ता है, बहुत तेजी से उड़ेगा, वो कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, कोई इंसान काम नहीं करना चाहता है जब तक उसको कुछ बैरियर्स में उसको न बांध दिया जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बजट। और बजट से सेंस क्या होता है कि हम किसी भी काम को, जैसे अभी सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल लूं, मैं एक शूज शॉप पे पहुंच गया, मैंने कहा यार शूज चाहिए था, अब वो शूज देखते है, मतलब उसने देखा कि भाई कस्टमर आ गया, उसके पास 500 का भी शूज है, 5000 10000 का भी शूज है, तो मैं उससे क्या बोलता हूं कि भाई मेरा बजट इतने का है। अब इस बजट सेंस को आप ऐसे लेना है, इट इज ए सिंगल यूज प्लान फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ए सिंगल यूज प्लान फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लाइक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल, मशीन आवर्स एक्सेट्रा। तो मैं इसको समझता हूं ऐसे, सपोज कर लो कि मुझे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है,
तो मेरा वो ऑब्जेक्टिव बन गया कि मुझे ये चीज बनाना है, इतनी क्वांटिटी में बनाना है। लेकिन बनाना है तो उसके लिए हमें कितना कैपिटल का इंट्रोड्यूस करना होगा, कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा बजट तय करता है। हम जो हमारा बजट होगा, जितनी हमारे पास फंड होगी, उसी फंड के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कैपिटल क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, हमको ये मैन्युफैक्चरिंग जो करना है, जो ये गुड्स प्रोडक्टिविटी करनी है, उसमें हमारे एक्सपेंसेस कितने होने हैं, इसमें कैश का फ्लो कितना होगा, कैश कितना आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, कैश का आउटफ्लो कितना होगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो भी मशीनरी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मशीन वगैरह अप्लाई करेंगे, वो कैसे परफॉर्म करेंगी, उनकी कॉस्ट कितनी होगी, और उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो मशीन कितने आवर्स हम रन करेंगे, उस मशीन की पर आवर जो एक्सपेंसेस है वो क्या होगा। तो यानी कि इन सारी चीजों को फाइनली अगर हमारा बजट ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंड ना हो कि हम इतने फंड के साथ ये काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम उस ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहां डेफिनेशन था, इट इज ए सिंगल यूज प्लान, यानी बजट हर बार अलग अलग प्रोडक्टिविटी के लिए अलग अलग बजट डिसाइड होता है, इसलिए कभी भी इसको हम कंटिन्यू लेकर नहीं चल सकते हैं। आज हमारे बजट 500 का शूज खरीदने का था, जो मेरी इनकम है, कल मेरा बजट अब आपके थ्रू हमारा मोनेटाइज हो गया यूट्यूब वीडियो, तो सपोज कल मेरी इनकम बढ़ गई, अब इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, कल मैं 5000 रुपीज का शूज खरीदूंगा, क्योंकि ये बजट क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। यानी बजट को हम एक चीज कह सकते हैं कि ये सिंगल यूज प्लान होता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और उसके हिसाब से हमको अपनी प्लानिंग करनी होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज यह हमारा चैप्टर प्लानिंग कंप्लीट होता है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। आपके 4 चैप्टर के टोटल एक्सप्लेनेशन किए जा चुके हैं, और आप इसको निश्चित रूप से वॉच करिए, देखिए, आप हेडफोन का इस्तेमाल करें और एक साइलेंट मोड में, मतलब कि पीसफुल तरीके से अगर आप इन वीडियोज को देखते हैं, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा होप है कि आपको ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल समझ में आएंगे। मैंने इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई जल्दीबाजी या टॉपिक्स को डिनाई करके छोड़ करके उड़ते हुए मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो, नहीं। और इसलिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियोज को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।